एंड स्काउट यहाँ पे गाड़ी लेके ऑलरेडी मिलिट्री की मिलिट्री बेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे नोवो आएगा, राइट साइड पे मिलिट्री, बट ये काफी तेज रोटेशन है, क्योंकि उनको पता है अगले 1 से 2 मिनट में सारी टीम रोटेट करेंगी, उससे पहले हमको रोटेट करना है। और ब्रिज एक ऐसा एरिया होता है जहां पर सारी टीम के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्काउट के लिए ब्रिज का डोमिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, एंड उनका उनकी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज कि स्काउट को पता रहता है कि जोन की रोटेशन कैसे काम में आएगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ब्लड हो सकता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई वेनम ने DP28 का स्प्रे दिया था। उनके पास हेलमेट है लेवल 2 का, वेस्ट लेवल 1 की बैकपैक नहीं है इस टाइम, उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से फाइट ले पाते। उनके ऊपर भी एक शॉट आया, उनकी वेस्ट को थोड़ा सा डैमेज किया गया यहाँ पर यूमुम्बा के प्लेयर्स को, उन्होंने भी स्पॉट किया। एंड पैर दिख रहे हैं SK49 को भीष्मा के, बट स्टिल एज ऑफ नाउ कोई भी शॉट नहीं लेगा, लेकिन अब वो ओपन में आ चुके थे, थोड़ा सा डैमेज है उनको हेल्थ का, बट स्टिल भीष्मा सेफ्टी पर चले जाएंगे। एंड भीष्मा इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इफ एनीथिंग, अगर हमें बोलना हो इस रीजन में अभी के लिए। देखना पड़ेगा हाइप की स्क्वाड जो कि पिछले मैचेस में अपने साउथ एशिया के रीजन में जीत कर आई थी, वो यहां पर किस तरीके से डोमिनेशन निकालती है। SK4 ने आप देख सकते हैं, शारी आप देख सकते थे, ये है सारी की सारी टीम्स, आपके फेवरेट टीम्स, आपके फेवरेट प्लेयर्स, सब लोग यहाँ पर आप लोगों के आंखों के सामने। किस तरीके से आप देख सकते हो फोकस है, डेडिकेशन है उनके अंदर, पूरा का पूरा कंपोजर है, किस तरीके से उनको गेम्स खेलनी है। सोल, TSM, NTT, मार्कोस, हर एक टीम, हर एक प्लेयर को पता है अपने रोल्स प्रॉपर। ये बहुत बड़ा सवाल था ओशन, हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा गया है कि भाई सब अपने प्लेयर्स घर पे खेलेंगे तो मे बी थोड़ा इंटरफेयरिंग हो सकता है, कोई और खेल रहा हो, कोच ज्यादा मदद कर रहा हो। तो हमने कहा यार हम प्लेयर्स को नहीं बुला सकते, हम कुछ ना कुछ अपनी साइड से भेज सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छा कम्पिटिटिव ग्राउंड लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट अब सारी ऑडियंस तो ये सोच पाएंगे आसान होगा, बट यहाँ पर एक अच्छी खासी मुठभेड़ देख सकते हैं हम। यहाँ पर टीम हाइप लड़ रही है, सामने उनके हैं यूमुम्बा का क्लैन, ऑलरेडी क्लियर नुकसान दे हो चुका है यहाँ पे। डेस्ट्रो ने नॉकआउट किया यहाँ पे SK49 को, एंड चारी ने डेस्ट्रो को नॉकआउट कर दिया, सो ट्रेड बैक होता जा रहा है। यूमुम्बा के लिए काफी ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि उनका जो पहला प्लेयर वो खो रहे हैं वो है डेस्ट्रो, और वहीं पर हाइप के जो कैप्टन है 420 का शिकार बन चुके हैं, वो नॉकआउट हो चुके हैं। एंड कैरी बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलने की कोशिश करो, उन्होंने स्प्रे अच्छा कनेक्ट किया, बट मेगा के एनको ने वहीं पे फनाटिक के ओवेज को नॉकआउट कर दिया। इट्स अ बिग अपसेट फॉर श्योर। एंड यू मुंबई एलिमिनेट होती हुई, हाइप की स्क्वाड ने डोमिनेशन अपना पूरा पूरा रखा, यू मुंबई 16वीं पोजीशन पर पहली टीम बनती है एलिमिनेट होती हुई। यहां पर हाइप की स्क्वाड जिस कंपोजर के साथ खेल रही है वो इस चीज के लिए जानी जाती है पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर। एंड इनके अंदर एक्चुअली जो शारी है वो T2K की टीम के थ्रू पहले खेलते थे, एंड उसके बाद अब हाइप के अंदर आए। एंड ये मैं देख सकता हूँ किस लिए उन्होंने इस टीम के अंदर अपनी जगह बनाई है। यहाँ पर बहुत प्यारे तरीके से मेगा की स्क्वाड आगे जाना चाहती है, जैसे कि आपने बोला फनाटिक की वहाँ पर थोड़ी सी मुठभेड़ हुई थी, बट